छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सैकड़ों किसान बिजली कटौती की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली की समस्या से अपर कलेक्टर को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि बिजली की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। कलेक्टर बिजली के समस्या की वजह से आग लगी से वहाँ हमारे गाँव में धान डाला था, बहुत दिन से धान डाला था और बावजूद बिजली मिल भी नहीं कर पर्याप्त, धान बहुत सूख गए है और ऐसे भी वहाँ के हमारे एरिया में धान जाना डाला था, गवर्नमेंट भी जाना थे, वहाँ बीमा भी नहीं है हमारे क्षेत्र धनेली है, दोनों फसल में वो थे, पटवारी भी जानकारी है, सब जानकारी है और जब कभी परेशानी है तो बिजली की वजह से हुआ थे और अभी स्थिति तो नहीं, बिल्कुल एकदम खराब है, फसल सूखे नौबत आ गए है, कई दिन खेत तो दर्रा हो गए है और पूरा मतलब चरा के नौबत आ गए, कर्जा बोड़ी करके अब तक करे हैं, लगात से करे हैं, सब कुछ करे हैं, उसके बावजूद फिर भी हो गए, कोई चांस नहीं है, बिजली दे दी तो ठीक है, नहीं दी फिर तो मरे के हाल हो गए, एकदम दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई। क्षेत्र है उसके आसपास के गांव के काफी लोग आए थे, इनको बिजली की समस्या है। वर्तमान में लोगों ने ग्रीष्म धान की फसल लगा दिया है जिसमें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए लो वोल्टेज की समस्याएं आ रही हैं। फिर भी इस समस्या का समाधान करने के लिए 4 ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव मुख्य अभियंता विद्युत को भेजा गया है और उम्मीद है कि जल्द स्वीकृत हो जाए।